Hello viewers, what is quadratic equation? The equation is in form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. तो जो equation ax square plus bx plus c form में हो वो है quadratic equation. जहाँ पर x variable है और a, b, c are real number. तो अगर example लें तो देखिए 2x square plus 5x plus 6 is equal to 0. यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल क्या है जहाँ पे वेरिएबल है x और रियल नंबर है 2, 5 और 6. तो इन प्लेस ऑफ a यू कैन सी 2, इन प्लेस ऑफ b यू कैन सी 5 एंड इन प्लेस ऑफ c यू कैन सी 6. नाउ वी कैन टेक आउट वैल्यू ऑफ x बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से वी कैन टेक आउट द वैल्यू ऑफ x. तो व्हाट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. दिस इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल रूट बाई 2a. और ये ए बी सी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? ये ए बी सी का वैल्यू इस इक्वेशन से मिलेगा. जैसे आप देख सकते हैं a का प्लेस में 2 है, b के प्लेस में 5 और c के प्लेस में 6 है. इस तरह का अगर इक्वेशन हो तो आप यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू बैठा कर ये x का वैल्यू निकाल सकते हैं. वन मोर थिंग, देखिए ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है. और अगर कंडीशन यहाँ पर तीन कंडीशन दिया हुआ है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर जीरो आया तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो दो जो रूट्स आया होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो होगा. तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर सी ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है. जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड अनइक्वल. ग्रेटर देन जीरो यानी 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकता है. और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है. अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल. रैशनल, रियल एंड अनइक्वल. अब देखिए सेकेंड कंडीशन में इन द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए इक्वल टू जीरो होगा, अगर ए का वैल्यू जीरो होगा तब देर इज़ ओनली वन रूट ऑफ एक्स. सिर्फ एक्स का एक ही वैल्यू निकलेगा क्योंकि ये जीरो हो गया तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगा. अगर b जीरो होगा देन द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है. तो जो रूट निकलेगा, जो x का वैल्यू निकलेगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा मगर उसका साइन अपोजिट होगा. एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा. और अगर c का वैल्यू जीरो आया, जीरो होगा अगर c का वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो, c का वैल्यू है नहीं यानी जीरो, अगर जीरो होगा देन वन रूट ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो एंड अदर इज़ रियल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ठीक है. तो वन रूट एक्स का वैल्यू जीरो होगा और अदर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. धन्यवाद देखने के लिए.